हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DHFL के बारे में। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आई है और DHFL के लिए बहुत बड़ी नेगेटिव अपडेट है ये। 12.5 से 13% तक ये स्टॉक आज टूट चुका है, उसका रीजन भी है और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, DHFL पिछले काफी दिनों से काफी ज्यादा डाउन है, काफी ज्यादा जो इनके रीपेमेंट्स है वो भी ये लोग नहीं कर पा रहे, फेल कर रहे हैं और इनकी जो कैटेगरीज है उनकी जो रेटिंग्स है उसको भी गिर रही है। हाल फिलहाल में जो नई अपडेट्स निकल कर आई है वो कुछ इस प्रकार है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ओकेज EPFO एग्जिट फ्रॉम DHFL। देखिए, EPFO ने DHFL से फाइनली एग्जिट करने का, पिछले काफी दिनों से वो इसमें से एग्जिट होना चाहते थे, लेकिन अब बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से उनको परमिशन दे दी गई है कि वो चाहे तो इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। यहाँ पर है कि द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैज अलाउड द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एम्प्लॉयज के जो प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से अलाउ कर दिया गया है कि वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हैज अलाउड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सरसाइज एन एग्जिट ऑप्शन फॉर रिकवरिंग द पेंडिंग 600 करोड़ फ्रॉम DHFL एंड अप्रूव अपॉइंटमेंट ऑफ 3 फंड मैनेजर टू मैनेज दिस कॉर्पस। तो देखिए, यहाँ पर यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है उसने सेंट्रल बोर्ड को काफी दिनों से गुहार लगाई थी कि DHFL में इतनी ज्यादा क्राइसिस है, वो चाहते हैं कि इसमें से वो निकले और इनका पैसा हो वो कहीं से रिकवर हो। तो फाइनली अब सेंट्रल बोर्ड ने इनको अलाउ कर दिया कि वो इसमें से निकल सकते हैं और DHFL का जो 600 करोड़ का पैसा है जो जो इन्होंने लगाया था उसके लिए भी उन्होंने अपॉइंट किए 3 फंड मैनेजर्स को कि वो इस चीज को दे ध्यान से देखे। हाउएवर द प्रपोजल टू डबल द मिनिमम पेंशन ऑफ ₹200 हैज बिन पुट ऑन होल्ड विथ लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गैंगवार सजेस्ट द इश्यू हैज बिन टेकन विद द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द डिसीजन वॉज टेकन एट द 225 बोर्ड मीटिंग ऑफ द EPFO चेयरमैन। देखिए, ये है कि उन्होंने कहा है कि ये जो इश्यू है उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ले जाया गया है और यहाँ पर है कि पीपल प्रेजेंट इन द मीटिंग विच लास्ट फॉर मोर देन 4 आवर्स टोल्ड ईटी इकोनॉमिक्स टाइम्स बोर्ड हैज अप्रूव EPFO एग्जिट फ्रॉम DHFL टू रिट्राइव इट्स मनी फॉर वर्कर्स वेलफेयर। देखिए, 4 घंटे चली थी ये मीटिंग, उसमें बोर्ड मेंबर्स है, बोर्ड्स ने जो अप्रूव कर लिया है कि EPFO अब DHFL से एग्जिट कर सकते हैं, उनका जो पैसा है, जो वर्कर का पैसा है, हमारा पैसा है, वहां से वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। 10-year bonds ऑफ द डिपॉजिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वेस्ट ड्यू फॉर मैच्योरिटी 2024। देखिए, 10 साल का बॉन्ड पीरियड था, मैच्योरिटी जो ड्यू थी 2024 से, ऑफ इट्स टोटल ₹1,300 करोड़ इन्वेस्ट इन DHFL विच इज डिफॉल्ट ऑन फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑब्लिगेशन इफ EPFO हैज येट टू रिकवर। तो यहां पर है कि DHFL के इनका जो इन्वेस्टमेंट देखे तो 1,300 करोड़ के आसपास है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, और यहाँ से अभी भी DHFL आने वाले जो DHFL लोन्स की जो रीपेमेंट नहीं कर पा रही है इसको लेकर ये लोग काफी ज्यादा स्पेक्टिकल्स थे और ये चाहते थे कि ये इससे एग्जिट हो सके ताकि इनका जो पैसा है वो फंसे ना वो पैसा। तो यहाँ पर है कि EPFO इज ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू रिकवर ₹574 करोड़ ऑफ इज बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इन क्राइसिस रिडन लेंडर ILFS। तो देखिए, EPFO ने DHFL में ही साथ साथ ILFS में भी 575 करोड़ के आसपास का निवेश किया हुआ है। तो दिक्कतें बहुत है, ILFS में भी काफी ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है और DHFL में भी गिरावट है। अब यहां से अगर EPFO एग्जिट होते हैं तो डेफिनेटली DHFL के लिए एक बहुत बड़ा धक्का साबित होगा और यही प्रैक्टिस बाकी लोग भी यहाँ पर करना शुरू कर देंगे। तो अच्छी न्यूज बिल्कुल भी नहीं है DHFL के लिए और इससे शेयर्स में गिरावट भी आएगी। दूसरी जो है कि DHFL 8% तक मतलब मॉर्निंग में गिरा था, लेकिन यहाँ पर है कि लेंडर्स जो हैं वो 51% स्टेक इन टवर्ड NBFC प्लम लेंडर्स आई मतलब लेंडर्स सोच रहे हैं कि
कि उनके जो 50% स्टेक्स है उसको ये कहीं ना कहीं से डेब्ट टू इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं। ये न्यूज कुछ इस तरह है। सेकंड न्यूज है ये DHFL की आज की। शेयर ऑफ D1 हाउसिंग फाइनेंस फेल 8% इंट्राडे। एक्चुअली उससे ज्यादा गया है ये एंड ऑफ द जब तक मार्केट क्लोज हुआ तब तक। August 22 रिपोर्ट दैट द लेंडर्स ऑफ द ट्रबल्ड NBFC आइंग ऑफ 51% स्टेक इन द कंपनी बाय कन्वर्टिंग द पार्ट ऑफ डेट इनटू इक्विटी। देखिए डेट इनके ऊपर काफी ज्यादा है, डेट इनके ऊपर काफी ज्यादा है कम करने के लिए ये लोग चाहते हैं कि इनका जो डेट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाए। लेंडर्स टू DHFL मे टेक ओवर द ट्रबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एज अ टेम्पररी मेजर इफ द कंसर्न फर्स्ट टू फाइंड अ न्यू इन्वेस्टर। हाउ एवर द रिजोल्यूशन प्लान वुड ऑल्सो रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द रेगुलेटरी इन टू द ऑर्डर ऑफ मटेरियलाइज। देखिए यहाँ पर भले ये लोग चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनको रिजोल्यूशन प्लान फिर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। द स्क्रिप्ट हैज बीन अंडर प्रेशर लेटली। ऑन August 19 द कंपनी रिपोर्टेड फाइनेंशियल रीपेमेंट डिफॉल्ट वर्थ रुपीज। तो देखिए इसी महीने की 19 तारीख को मतलब 3 दिन पहले ही कंपनी ने वापस से जो रीपेमेंट करनी थी वो 1,571 करोड़ की, उसमें इन्होंने डिफॉल्ट किया है। जो बॉन्ड्स एंड कमर्शियल पेपर की इनकी जो रीपेमेंट्स थी उसमें डिफॉल्ट किया है। और स्टॉक के उस और इसकी वजह से जो शेयर्स है उसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ऐसा ही नहीं, DHFL के ऊपर कर्जा धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। DHFL की अगर हम बात करें तो DHFL ओस ₹80,000 करोड़, 80,000 करोड़ DHFL को चुकाने हैं टू बैंक्स, टू म्यूचुअल फंड, टू इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। तो एंड एज पर द नॉर्म्स लेट डाउन द बैंक रेगुलेटर लेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू साइन एंड इंटर क्रेडिटर अग्रीमेंट टू फाइनलाइज द रिजोल्यूशन प्लान। बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एंटिटीज अदर देन बैंक इन दिस केस द कॉम्प्लिकेटेड इज प्रोसेस। देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो चुकी है, इतना ज्यादा कर्जा इनके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो किस तरीके से ये रिजोल्यूशन प्लान प्रोसेस करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो एक देखने वाली बात जरूर है। तो देखिए हाल फिलहाल में DHFL में दिक्कत बहुत है और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसका लो बन चुका है। हो सकता है कि शेयर में और फर्दर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है वो ठप पड़ा हुआ है। कंपनी नया लोन नहीं बांट रही है, कंपनी के जितनी भी इनकम्स है वो धीरे धीरे बंद पड़ी है हुई है और कंपनी लॉसेस बुक करती जा रही है। कंपनी के लिए नया इन्वेस्टमेंट, कोई नया बड़ा इन्वेस्टर अभी भी कंपनी के लिए में नहीं आ रहा है। DHFL के पिछले एक हफ्ते की हम बात करें तो एक हफ्ते में DHFL के शेयर में 15% से भी ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में DHFL में 24% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में DHFL में 94% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। देखिए 675 से 680 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर 40 रुपए में ट्रेड कर रहा है, वो भी एक साल के अंदर अंदर। तो क्राइसिस कितनी बड़ी है, कितनी बिगर है, वो आप खुद समझ सकते हैं। और शेयर्स जब भी बाउंस बैक करने की कोशिश की है वापस से ये नीचे ही नीचे धसता चला जा रहा है। मार्केट कैप बहुत कम हो चुका है, स्मॉल कैप स्टॉक बन चुका है। 1,250 करोड़ से भी कम का इनका मार्केट कैप रह चुका है। NSE में 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड जरूर देखने को मिल रहा है। DHFL में आप देखिए कि मार्च क्वार्टर के नतीजे उन्होंने काफी लेट बुक किए थे, 2 बार इन्होंने तारीख चेंज की थी और जब बुक किए तब 2,223 करोड़ का नेट प्रॉफिट में घाटा इन्होंने रिपोर्ट किया था। और तो और इस बार भी जो जून क्वार्टर के नतीजे हैं वो भी ये लोग लेट बुक करने वाले हैं, लेट पब्लिश करने वाले हैं। September 14 को ये इनके नतीजे पोस्ट करेंगे ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। तो डेफिनेटली जब नतीजे पोस्ट होंगे, अगर अच्छे नतीजे नहीं होंगे तो वापस से स्टॉक में हमें एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो 39.21% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, 11.26% की होल्डिंग FIIs के पास है, म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 45.64% की होल्डिंग है, अदर DIIs के पास 3.87% की होल्डिंग है। देखिए प्रमोटर के द्वारा शेयर गिरी हुई नहीं है, 6 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा, 117 FIIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है, 33.76% की इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग है इसमें। DHFL की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आप देखें तो 83% बाइंग रेटिंग है, 15% सेलिंग है, 2% होल्ड रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। DHFL को अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो कर्जा इनके ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है DHFL के ऊपर।
1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का, उसके अगेंस्ट में 1 लाख करोड़ के आसपास की टोटल असेट्स भी इनके पास है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि DHFL के जो असेट्स है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बेच रहे हैं अपने असेट्स, और जो कर्जा है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो ब्याज है बैंकों से लिया है, इंश्योरेंस कंपनियों से लिया हुआ है, और तो और प्राइवेट सेक्टर से भी इन्होंने पैसा उठाया है, तो उसका जो ब्याज है वो बढ़ता जा रहा है और नया पैसा आ नहीं रहा है। ये एक बड़ी दिक्कत है DHFL में। तो देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब तक तो कोई नया निवेशक नहीं आता, बड़ा इन्वेस्टर नहीं आता, इस शेयर्स में खरीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और अभी भी मैं वही कहूंगा कि जब तक कोई बड़ा निवेशक नहीं आता, भले ही ये शेयर आपको 30 रुपए के अंदर भी क्यों ना मिले, मैं यही कहूंगा कि जब तक कोई बड़ा निवेशक नहीं आता, तब तक इसमें खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी ना करें, वेट कीजिए। डेफिनेटली अच्छा मौका है, तब खरीदारी कीजिएगा। अभी और फर्दर इसमें गिरावट आ सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनके नतीजे आने वाले हैं, उसमें अगर गिरावट आई तो शेयर और नीचे गिरेगा। और अभी और तो और इनकी और ज्यादा, अगर जो पुराने जो इनके जो जो लोन्स थे उनकी रीपेमेंट्स भी इनको करनी पड़ेगी, उसमें भी अगर डिफॉल्ट करेंगे तो और ज्यादा दिक्कत हो यहाँ पर इसके लिए शेयर में हमें देखने को मिल सकती है। तो मैं यही कहूंगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, वेट करें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।